हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का एक फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं हैवेल्स लॉयड की तरफ से आने वाला ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसे मैंने परचेज किया है हैवेल्स लॉयड के एक लोकल शोरूम से, एंड ये मुझे बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पर मिला है। ये 6.5 केजी का वॉशिंग मशीन है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है इसका। साथ में इसका जो फीचर्स है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आप सोच रहे हैं एक अच्छा वॉशिंग मशीन परचेज करने का, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको ये वॉशिंग मशीन पसंद आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे इसी वॉशिंग मशीन के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स के साथ ये आता है, किस प्राइस ब्रैकेट में मैंने इसे परचेज किया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों आपको हैवेल्स का ही वॉशिंग मशीन परचेज करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर आप इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें फॉलो कर लीजिए। हम वहां पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। दोस्तों, हैवेल्स में बहुत ज्यादा रेंज अवेलेबल है वॉशिंग मशीन में। मैंने ये सबसे छोटा वॉशिंग मशीन परचेस किया है फुल्ली ऑटोमेटिक में। 6.5 केजी से छोटा वॉशिंग मशीन नहीं आता है। आप इससे बड़ा ले सकते हैं, 7 केजी, 7.5 केजी, फिर 8 केजी। तो जैसा आपका नीड है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये मैंने टॉप लोड परचेस किया है, यानी कि जो कपड़े हैं उसे आप ऊपर से डालते हैं, यानी कि ऊपर के साइड में इसका जो डोर है वो ओपन होता है। आप हैवेल्स में इसके अलावा फ्रंट लोड भी ले सकते हैं, जिसमें जो डोर है वो फ्रंट के साइड से खुलता है, एंड वो थोड़ा सा और ज़्यादा फैंसी लगता है देखने में। लेकिन मेरे हिसाब से एक नॉर्मल डिसेंट फैमिली के लिए टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक का जमाना चला गया है, बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। तो वॉशिंग मशीन लीजिए तो ऑटोमेटिक ही लेना चाहिए फुल्ली। ये है हैवेल्स ब्रांड का। मैंने हैवेल्स इसलिए परचेज किया क्योंकि हैवेल्स का जो मोटर है ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है अभी इंडिया में, एंड दूसरे जो ब्रांड है वर्लपूल, सैमसंग, ये दूसरे कंपनी से मोटर लेकर अपने प्रोडक्ट में डालते हैं, लेकिन हैवेल्स का अपना मैन्युफैक्चरिंग है स्पेशली मोटर को लेकर, जिसकी वजह से मैंने हैवेल्स ब्रांड का ये वॉशिंग मशीन परचेज किया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के पैकेजिंग में ये हमें मिला है। काफी कॉम्पैक्ट सा ये बॉक्स है, पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं बैठा हुआ हूँ, फिर भी इसका हाइट मेरे से कम है। तो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट बॉक्स में ये वॉशिंग मशीन हमें मिला है। ऊपर के साइड में हैवेल्स ब्रांड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में लॉयड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे ये बहुत कम कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से मैंने ये वॉशिंग मशीन को परचेस किया है। एंड 6.5 केजी का है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगी, साथ में पानी भी ये कम लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कैपेसिटी 6.5 केजी। एंड जो कलर मैंने परचेस किया है वो है कूल ग्रे, एंड मॉडल नंबर की बात की जाए तो इसका मॉडल नंबर है GLWMT65GCGJA। साथ में इस वॉशिंग मशीन का जो पूरा ग्रॉस वेट है वो सिर्फ 33 केजी है, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्का ये वॉशिंग मशीन है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है। आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। सो दोस्तों, अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो बॉक्स में मेंशनड है 20,990 रुपीज़, लेकिन ये मुझे मिला है 17,000 रुपीज़ का। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट वैल्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फर्स्ट लिंक क्लिक करके इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और तो एज सच इस बॉक्स में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जिसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड वॉशिंग मशीन मैंने परचेस किया है, जनवरी 2024 का ही ये प्रोडक्ट है। तो लेटेस्ट प्रोडक्ट जब हम परचेस करते हैं तो सारा लेटेस्ट फीचर्स इसमें रहता है, उसके साथ ही जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट रहता है वो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से रहता है। तो इस कार्डबोर्ड बॉक्स को उतना ज़्यादा दिखाकर कोई भी फायदा नहीं है, तो सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं, सेट करवाते हैं टेक्नीशियन से, उसके बाद आपको दिखाते हैं इस वॉशिंग मशीन को। सिंपली आप अपने से भी इसे सेट कर सकते हैं, वैसे तो कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नीशियन देता ही देता है, क्योंकि स्टैंड भी फिट कराना रहता है इसमें। स्टैंड मैंने बिल्ट स्किल का ही सेट करवाया है इसमें, क्योंकि बिल्ट स्किल ने मुझे स्पॉन्सर किया था कि सर आप अपने वॉशिंग मशीन के साथ मेरा स्टैंड यूज कीजिए। तो वो स्टैंड बहुत ही अमेजिंग था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था,
एंड बिल्ट स्किल के साथ हमारा कोलैब है, तो बिल्ट स्किल वन ऑफ द अमेजिंग ब्रांड है अगर आपको स्टैंड परचेस करना है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया है एंड आप देख सकते हैं ये है हैवेल्स लॉयड का 6.5 केजी का वॉशिंग मशीन। देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये जो कलर मैंने परचेस किया है ये है कूल ग्रे, साथ में ब्लैक एंड कूल ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये जो वॉशिंग मशीन है ये 2 color tone में आता है जिसकी वजह से इसका जो लुक है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इसमें एक और कलर अवेलेबल है जो है सिल्वर, जो मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ये कूल ग्रे थोड़ा सा ज्यादा क्लासी लग रहा था। दोनों में से आप कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है हैवेल्स लॉयड की तरफ से 10 इयर्स की वारंटी मोटर के ऊपर, यानी कि 10 साल की वारंटी दी जा रही है, तो अच्छा खासा वारंटी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर लॉयड की ब्रांडिंग की गई है, मैं पास से भी दिखाऊंगा ये सारी चीज़ों के बारे में, वैसे ओवरव्यू आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने इसे सेटअप भी करवा लिया है, आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि कैसे ये सेट हुआ था। यहाँ पर ये है इनलेट पाइप, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसे मैंने इस टैप में फिट करवाया है। स्पेशली ये टैप लगवाना पड़ता है, मेरे घर में ये लगा हुआ नहीं था तो ये लगवाना पड़ा है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में है ये आउटलेट पाइप जिससे पानी बाहर जाता है, एंड ये सीधे नीचे की साइड में लगा हुआ है, एंड ये एक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों चीज़ें एक जगह पर होनी चाहिए ताकि आप आराम से इसे यूज़ कर सके, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक वॉशिंग मशीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर के साइड में मैंने कपड़ा भी रखा है, अच्छे से वॉश करके भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सामने के साइड में कौन कौन से फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ में नीचे की साइड में ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं ये बिल्ट स्किल का स्टैंड है, इसे मुझे बिल्ट स्किल ने सेंड किया था रिव्यू पर्पज के लिए, तो ये इसमें बहुत ही परफेक्टली आ गया है, इसीलिए मैंने इस स्टैंड का भी बेस्ट वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप ये वॉशिंग मशीन परचेस कर रहे हैं उसके साथ ये वाला स्टैंड परचेस कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता है, क्योंकि नीचे साइड में भी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक कलर है वॉशिंग मशीन में, एंड जो स्टैंड है वो भी ब्लैक कलर का है, तो काफी ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनता है। तो अब बात करते हैं इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में जो फ्रंट के साइड में दी गई है, तो कैमरा एंगल चेंज करके आपको दिखाते हैं। वैसे ओवरऑल लुक इसका कैसा लग रहा है आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक है इसीलिए आपको एक ही यहाँ पर ड्रम मिल जाता है, एंड देखने में काफी अच्छा लग रहा है। एंड ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, यानी कि ऊपर के साइड से कपड़े डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ओपन होता है, बहुत ही परफेक्ट लगता है देखने में, एंड काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो आपके घर का ज्यादा जगह भी नहीं लेगा। पहले जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आता था वो अच्छा खासा जगह लेता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो अब सामने वाले इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने के साइड में सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इस वॉशिंग मशीन का। लॉयड और हैवेल्स ब्रांड की ब्रांडिंग आपको ऊपर के साइड में देखने को मिल जाएगी, साथ में ये कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं जो इस वॉशिंग मशीन में मिलता है। इसमें मिलता है बबल फोम वॉश, यानी कि फाइन फोम कर देता है आपके सर्फ को, एंड काफ़ी अच्छे से डिजॉल्व करके आपके कपड़े के डर्ट को अच्छे से वॉश करने में ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े काफ़ी अच्छे से वॉश होते हैं। साथ में इस वॉशिंग मशीन में 8 sense टेक्नोलॉजी, यानी कि 8 sensors लगे हुए हैं जो आपके सेफ्टी, आपके कन्वीनियंस और वाटर सेविंग के लिए दिए हुए हैं, जिसमें इंक्लूडेड है ये ऑटोमेटिक आपका पानी लेता है, साथ में चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ऑन एंड ऑफ हो जाता है, अगर पावर कट होता है तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा, साथ में अगर इसका टाइमर ख़त्म हो गया है तो भी ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता है, आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से सेफ्टी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। साथ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि एक बार सेट करके छोड़ दीजिए, आपका कपड़ा अच्छे से वॉश हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पानी भी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। एंड पानी सेव करने की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक्वा सेव वॉश करता है, यानी कि उतना ही पानी लेता है जितना कपड़ों के लिए ज़रूरत है, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से 50 liters तक का पानी सेव होता है। साथ में अगर आपके नल में प्रेशर नहीं है तो भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, आप देख सकते हैं 0 pressure वॉश, यानी कि प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी भी आता है आपके टैप में तो भी इस वॉशिंग मशीन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यानी कि N9 प्लास्टिक्स का यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा जर्म किल वॉश ये करता है, एंड बिल्कुल ही हाइजीनिकली एंटी बैक्टीरियल वॉश आपको देखने को मिलेगी। साथ में ये जो वॉशिंग मशीन है ये 5-star रेटिंग के साथ आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी ये काफ़ी ज़्यादा सेव करता है एज़ कम्पेयर टू 2-star, 3-star, 4-star,
तो 5-स्टार प्रोडक्ट ही परचेज करना चाहिए। एंड मैं तो हमेशा ही यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है तो आप डेफिनेटली 5-स्टार के साथ ही जाइए। साथ में आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में ये हैंडल दिया हुआ है, ये हैंडल दोनों साइड में है जिसकी वजह से आप अपने वॉशिंग मशीन को काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ज़्यादा भारी भी नहीं है, सिर्फ 33 किलो का है, तो आप आराम से अकेले ही इसे उठा पाइएगा इस हैंडल की मदद से। तो ये एक बहुत ही अच्छा टच दिखा मुझे एंड काफ़ी अच्छे से इसे यहाँ पर बनाया गया है ताकि ये देखने में भी कूल लगे एंड आपका काम भी ये परफेक्टली करे। आप देख सकते हैं आपका जो हाथ है वो परफेक्टली इसमें फिट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होल किया हुआ है। सो दोस्तों, ऊपर के साइड में कुछ इस तरह का लुक है इस वॉशिंग मशीन का, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, साथ में ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है। अंदर के साइड में मैंने कपड़े डाल रखे हैं, आपको वॉश करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वॉश करना है। साथ में ऊपर के साइड में यहाँ पर सारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है, परफेक्ट लगता है देखने में। टिंटेड यहाँ पर ग्लास दिया हुआ है, ग्लास नहीं है ये, आपको ट्रांसपेरेंट फाइबर ऊपर के साइड में देखने को मिलता है। साथ में काफ़ी अच्छा ये सिल्वर कलर का हैंडल दिया हुआ है तो परफेक्ट एक कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर छोटा सा डिस्प्ले है जिसका नीड मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, इसे यूज़ करने से पहले इसके कंट्रोल पैनल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये कंट्रोल पैनल है जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रोसेस में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका वॉश, रिंस और स्पिन का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर आपको वॉश एंड रिंस करना है तो आप ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉश एंड स्पिन करना है तो आप ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोसेस से सेलेक्ट होती है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सेट करना है। अभी पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं वाटर लेवल, जहाँ पर 42 लीटर, 32 लीटर, 20 लीटर, 37 लीटर, 29 लीटर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अपने क्लोथ्स के अकॉर्डिंग कोई भी लीटर्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये जो लीटर है ये वाटर लेवल यहाँ से सेट होता है एंड जैसे आप इसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर वो लीटर्स लिखा हुआ आ जाएगा, साथ में प्रोसेस लिखा हुआ आ जाएगा, आपका यहाँ पर मोड लिखा हुआ आ जाएगा। साथ में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डिले। डिले का मतलब ये होता है कि अगर आपको 3 घंटे के बाद अगर वॉश करना है या फिर मशीन को ऑन करना है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं एंड आप चाहते हैं कि 3 घंटे के बाद वॉश करके आपके कपड़े को ये रख दे, तो ये डिले वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रोग्राम का ऑप्शन है, इस प्रोग्राम के ऑप्शन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल 8 टाइप का प्रोग्राम का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, नॉर्मल वॉश, स्विफ्ट वॉश, जेंटल वॉश, स्टेन रिमूवल, एनर्जी सेवर, हेवी वॉश, हाइजीन ड्राई एंड ड्रम हाइजीन का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप इस प्रोग्राम वाले बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड साथ में अगर आप इसे 5 सेकंड तक क्लिक करके रखे रहिएगा तो ये चाइल्ड लॉक इंगेज हो जाता है, यानी कि कोई भी बच्चा इसे ऑपरेट नहीं कर पाएगा। साथ में यहाँ पर 2 इंडिकेटर दिया हुआ है, एक है ऑटो रीस्टार्ट का, यानी कि अगर पावर कट होके फिर से आता है तो आपका जो मशीन है वो ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है। साथ में अगर चाइल्ड लॉक इंगेज रहेगा तो यहाँ पर ये मेंशन करेगा क्लियरली कि चाइल्ड लॉक इंगेज्ड है। साथ में यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है और यहाँ पर स्टार्ट एंड पॉज का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आगे अब आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको ये टॉप लोड के ऊपर वाले गेट को ओपन करना है एंड अंदर के साइड से निकालना है ये वाला कंपार्टमेंट। आप देख सकते हैं ये स्पेशली डिटर्जेंट के लिए अलग से कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसे आप बाहर निकाल सकते हैं एंड इसमें आराम से यहाँ पर डिटर्जेंट सेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है एंड ये है डिटर्जेंट कंपार्टमेंट। तो इसमें पहले डिटर्जेंट डाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे ऑपरेट करना है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है। अब सिंपली इस वाले कैप को कुछ इस तरह से फिट करना है, बहुत ही अच्छे से ये सिंपली कुछ इस तरह से फिट होकर एक बॉक्स जैसा बन जाता है। अब आपको इसको अंदर के साइड में इसका जो कंपार्टमेंट दिया हुआ है उसमें कुछ इस तरह से सेट कर देना है ताकि ये आराम से यहाँ पर वॉश करने में हेल्प करे। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है, मैंने यहाँ क्लोथ डाल के इसे सेट किया है। आप देख सकते हैं अंदर के साइड में सारा क्लोथ डाला हुआ है एंड यहाँ पर डिटर्जेंट भी सेट हो गया है।
तो अब आपको इसे पावर ऑन करना है। तो सिंपली पावर ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको स्विच ऑन करना है पहले, साथ में यहाँ से वाटर सप्लाई भी खोल देना है ताकि प्रॉपरली ये सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया है, वाटर सप्लाई भी दे दिया है। अब सिंपली प्रेस करना है ये पावर बटन। तो जैसे ही आप पावर बटन प्रेस कीजिएगा आपका जो वॉशिंग मशीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसेस, वाटर लेवल और प्रोग्राम यहाँ पर सेट करना है एंड स्टार्ट पर क्लिक कर देना है एंड आपका वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं वॉश, रिंस और स्पिन तीनों में है। सिंपली आप इसे क्लिक कीजिएगा तो सिंपली आप वॉश भी कर सकते हैं। बस अगर इसमें क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ आप स्पिन कर सकते हैं। स्पिन मतलब ड्राई वॉश। नंबर नॉर्मल वॉश जो डेली यूज़ का आपका कपड़ा होगा उसके लिए है। दूसरा है स्विफ्ट वॉश, ऐसा कपड़ा जो कम गंदा हुआ हो, जैसे कोई आप पार्टी में गए या फिर बाजार गए, कम गंदा कपड़ा हो उसको धोना। तो इसमें लेकिन क्या है कि आपका वेट होगा, 2 kg 2.5 kg का ही कपड़ा आप धो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं धो सकते। फिर आपके पास है ये तीसरा नंबर जेंटल वॉश, ऐसा कपड़ा जिसमें डेलिकेट डिज़ाइन ये सब बना रहता है, जो लेडी वगैरह का कपड़ा में होता है ना वो, वर्क वाला। हाँ, वर्क वाला कपड़ा उसके लिए हो गया तीसरा नंबर। और चौथा आपका स्टेन रिमूवर, जो जिस कपड़ा में आपका दाग धब्बा लग गया उसके लिए स्टेन रिमूवर है। ये पाँच नंबर है एनर्जी सेवर। एनर्जी सेवर में क्या होता है कि मशीन जो है रिंस जो इसका प्रोग्राम है उसको थ्रोली कर देता है। ये आपका छः नंबर हैवी वॉश। हेवी वॉश में आप बेडशीट ये सब धो सकते हैं या सिर्फ जीन्स का आइटम धो रहे हैं, मतलब हेवी कपड़ा जो पानी जाने के बाद और ज़्यादा वेट उसका बढ़ जाता है, वैसा कपड़ा बेडशीट हो सकता है, कुशन कवर ये सब आप धो सकते हैं, जीन्स का आइटम धो सकते हैं, पर्दा धो सकते हैं, मतलब जितना भारी कपड़ा होता है वो धो सकते हैं इसमें ना। अगर डबल बेड का आप यूज़ कर रहे हैं चादर या बेडशीट तो उसके लिए आपको एक यूज़ कीजिए, और अगर सिंगल बेड का है तो 2 या 3 कर सकते हैं। सातवां नंबर है हाइजेनिक ड्राई। हाइजेनिक ड्राई का आपका कपड़ा जो होता है उसके लिए होता है, हाइजेनिक कपड़ा के लिए। हाँ जी। और आठवां नंबर ड्रम हाइजीन है, ड्रम का क्लीनिंग के लिए, क्योंकि कपड़ा धोते धोते क्या होता है कि इस ड्रम के अंदर में ये इस पल्सेटर के नीचे में आपका जो है वो गंदगी जमा हो जाता है, कचरा जमा होता है, ब्लैक कलर का जमा होगा वो, फिर क्या होगा धीरे धीरे स्मेल करेगा और वो चलते चलते होता है। हाँ, वो कपड़ा चलते चलते होता है। इधर आपका एक फिल्टर दिया हुआ है, अगर हम टब को इधर घुमाते हैं देखिए ये आपका फिल्टर दिया हुआ है। सो दोस्तों फाइनली ये डन हो गया है एंड मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है 59 मिनट्स के बाद। आप देख सकते हैं सारे क्लोथ्स अच्छे से वॉश होके सूख गए हैं, बस इसे बाहर निकाल कर आपको बस धूप में हल्का सा डालना है एंड आपका क्लोथ्स अच्छे से सूख जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने बेडशीट को वॉश किया है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप इसे वॉश कर सकते हैं। उसके साथ ही फुली ऑटोमेटिक है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है एंड ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में यहाँ पर ऑटो रीस्टार्ट का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर पावर कट होता है तो ये ऑटोमेटिक वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से ये ऑफ हुआ है। तो आप सिंपली सारे क्लोथ्स को बाहर आप निकाल लीजिए, उसके बाद सुखा दीजिए धूप में, बस इतना ही सा प्रोसेस है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो 17,000 रुपये के हिसाब से बहुत ही अच्छा वॉशिंग मशीन है। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज का और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए, आपके घर में जगह कम है या फिर आपको क्यूट सा दिखने वाला एक वॉशिंग मशीन चाहिए जो काफ़ी अच्छे से काम करता हो एंड आपका हर नीड को फुलफिल करे, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है। साथ में इसमें सारे टाइप का क्लोथ्स आप आराम से वॉश कर सकते हैं एंड फुल्ली ऑटोमेटिक है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। अगर आपको एक बहुत ही अमेजिंग और अच्छा कॉम्पैक्ट वॉशिंग मशीन परचेज करना है देन आप ये हैवेल्स के लॉयड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ जा सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वॉशिंग मशीन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू एचडी चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड दोस्तों हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।